हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इफ से रिलेटेड एक प्रोग्राम। बेसिकली हर बार हम चार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दो प्रोग्राम एक साथ हो जाए। तो आज जो हम प्रोग्राम करेंगे वो ये चेक करने के लिए कि कोई दिया गया नंबर ऑड है या इवन है, और दूसरा प्रोग्राम करेंगे कि क्या कोई दिया गया नंबर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है या जीरो है, यानी कि न्यूट्रल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रोग्राम जो ये कहता है कि आपको चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर या तो ऑड है या तो क्या है, इवन है, आपको चेक करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको चूंकि एंट्री लेनी है, इनपुट लेनी है, तो आपको इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करना होगा। आप एक क्लास लेते हैं मैक्स नाम से और आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। इंटीजर टाइप का ए और बी लिया, बेसिकली बी की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ए रहने दीजिए, क्योंकि कोई एक ही नंबर आपको लेना है जिसको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। तो हमने ए ले लिया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट माना, स्कैनर टाइप का एस इक्वल टू व्हाट न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट क्या इन किया हम। यहाँ पे फिर मैसेज डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। अब हम स्क्रीन पे मैसेज करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी स्क्रीन पे मैसेज दिखाता है एंटर फर्स्ट नंबर। बेसिकली यहाँ फर्स्ट नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंटर नंबर टू चेक ऑड एंड इवन, या एंटर नंबर सिर्फ मैसेज दे। देखिए कभी भी कोशिश कीजिए कि जो मैसेज आप देते हैं वो एक प्रॉपर मैसेज दे, ठीक है। और जो भी नंबर यूजर देता है नेक्स्ट इंस्टेंस को रीड करके कहाँ ले जाते हैं आप, ए में। तो मान लीजिए यूजर ने क्या दिया, ए में 4 दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए मॉडुलस ऑपरेटर का काम आप जानते हैं, मॉडुलस क्या देता है, रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके देखिए कि क्या बचता है, वो कहलाता है रिमाइंडर। तो हम चेक करते हैं कि ए को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आए। तो कोई भी नंबर, इवन नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि कोई भी नंबर जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो कहलाते हैं क्या, इवन नंबर। तो पूरी तरह से जब कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो हम चेक करते हैं कि अगर जो भी वैल्यू ए में है उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 के बराबर है, तो आप क्या प्रिंट कर दीजिए कि वो नंबर इवन है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट कर दीजिए, वो नंबर क्या है, ऑड है। तो अभी के सिनेरियो में ए में क्या है, 4 है, तो चेक करेगा 4 मॉडुलस 2, यानी कि जो है 4 को डिवाइड कीजिए किससे, 2 से। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या 0, देखिए ए मॉडुलस 2 क्या रिटर्न करेगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा, इवन प्रिंट कर देगा, एल्स में तो आएगा ही नहीं। मैंने आपको बताया है कि अगर इफ्स का कंडीशन सही होता है तो सिर्फ सही वाला यानी ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, सीधे प्रोग्राम खत्म, मतलब उसके मतलब अपना ब्लॉक खत्म कर देता है। यहाँ से यहाँ तक इफ का ब्लॉक है ना, तो अगर एक जगह भी इफ सही मिल जाता है तो एल्स में कभी नहीं जाता है। तो ये था एक प्रोग्राम जो ऑर्डर इवेंट को चेक करता है। चलिए दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज पॉजिटिव, यानी नंबर को दिया गया पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है या क्या है, 0 है, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोग्राम, सबसे पहले आपको लाइन लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्लास आपने एक चेक नाम से लिया, ठीक है, इसको आपने क्लास को ओपन किया, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। इंटीजर टाइप का आपने कि ए लिया, क्योंकि उसी एक एक नंबर को क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। अब ऑब्वियसली बात है इनपुट लेना है तो आपको स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने बनाया स्कैनर टाइप का एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट क्या इन, राइट, यानी कि अब आप इनपुट ले सकते हैं इस SC ऑब्जेक्ट का यूज करके। अब आप क्या करेंगे, मैसेज डिस्प्ले करेंगे। ऑब्वियसली अभी इनपुट तो ले हम, ए वेरिएबल तो मान लिया है ना, लेकिन उसमें कोई इनपुट तो आपने लिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भैया कि मुझे एक नंबर दो, एंटर द नंबर, और जो भी नंबर देगा यानी कि उसको इंटीजर फॉर्मेट में रीड करके आप कहाँ पहुंचा देंगे, ए तक पहुंचा देंगे। अब आप चेक करते हैं कि ए की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। तो सपोज कीजिए मैं ए में पहले 4 देता हूँ, राइट, तो 4 जो है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन पॉजिटिव नंबर। तो आपके स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ यही लिखा हुआ आएगा, क्या, पॉजिटिव नंबर। इसके बाद भी और भी प्रोग्राम बचता है मेरा, ऐसा बात नहीं इसके प्रोग्राम खत्म हो गए, नहीं, ये वाले देखिए। तो इस सेक्शन पे तो वो आएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इफ अगर सही हो जाता है तो एल्स में जाता ही नहीं है, तो ना ही इस एल्स पे आएगा ना ही इस एल्स पे आएगा। तो इस एल्स के साथ ये एग्जीक्यूट होता, अगर ये सही होता तो आया ही नहीं, इस एल्स के साथ ये जुड़ा हुआ ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे यहाँ पे आएगा, क्लास बंद मिलेगा, यहाँ आएगा प्रोग्राम बंद मिलेगा। तो मतलब सिर्फ एक लाइन प्रिंट हो जाएगी पॉजिटिव नंबर और स्क्रीन क्या हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए ये 4 नहीं होकर -4 था, राइट, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो -4 जो है वो 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब आएगा इस एल्स पे, और यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो ए में कितना रखा है आपने, ए में -4 रखा है ना, तो हाँ बिल्कुल ये जो है वो 0 से छोटी है, तो सिस्टम नॉट आउट प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर देगा, स्क्रीन पे नेगेटिव नंबर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब फिर इस एल्स पे नहीं आएगा, सीधे अपना प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा।
और अगर मान लीजिए ए में क्या है, जीरो आपने डाला है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे चेक करेगी क्या ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, नहीं, जीरो जीरो से बड़ा तो नहीं है। फिर इस एल्स पे आएगा, यहाँ चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू जीरो से छोटी है, नहीं छोटी भी नहीं है। तो जब छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्स पे और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज जीरो। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर ना ही जीरो है, सॉरी, ना ही जीरो से बड़ा है और ना ही जीरो से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पे आके डायरेक्ट इसने प्रिंट कर दिया नंबर इज क्या, जीरो। अब बहुत लोग बोलेंगे सर कि आप यहाँ नहीं लिख सकते थे कि एल्स इफ ए इक्वल टू जीरो। बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन क्यों लिखना, आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, जीरो के अलावा कुछ बचता ही नहीं ना फिर। तो इसलिए हम ये ना लिख के सीधे हमने लिखा एल्स, अगर मतलब जीरो से बड़ा भी नहीं, जीरो से छोटा भी नहीं है, तो नंबर क्या है, जीरो है। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकल। अगर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो चलिए हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना नोटपैड ओपन किया, मैंने आपको बताया हुआ है कि नोटपैड जब भी आप ओपन करेंगे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, और आप विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आप कहीं भी फिर सेव कर पाएंगे। अगर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करें तो हम क्या पहले लाइन लिखेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या, स्कैनर, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्लास मान लीजिए हम डालते हैं ऑड, ईव, ऑड इवन के लिए पहले चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या, स्ट्रिंग ए आर जी एस, राइट। बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो मतलब बताने वाला हूँ कि कैसे आप नेटबीन्स में, कैसे आप ब्लूजे में, कैसे आप इन प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, रन करेंगे। प्रोग्राम बिल्कुल सेम होंगे, इन्वॉर्मेंट अलग होगा एग्जीक्यूशन का। इंटीजर टाइप का आपने एक ए लिया, ठीक है, अब आपको इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर टाइप का एस इक्वल टू क्या, न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहाँ क्या डालेंगे, सिस्टम का एस कैपिटल होगा, ठीक है। देखिए मैं एग्जीक्यूट करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो है कैपिटल स्मॉल का चक्कर होता है, और वैसे भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एल एन एंटर नंबर, ठीक है, टू चेक। देखिए मैसेज आपकी मर्जी से हो सकता है, मैं छोटा इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे कम टाइप करना पड़े, ठीक है। ये हो गया एंटर नंबर, और जो भी नंबर आया आप, आपको उसने एस सी डॉट नेक्स्ट प्रिंट करके ए में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, राइट। अब आते हैं बात की, अब हमें ये चेक करना है, तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर जो है ए में जो है वो डिवाइड करो किससे, दो से, और रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो क्या प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एल एन, ऑब्वियस ये बात है इवन होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे और क्या कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एल एन, क्या होगा, ये ऑड होगा, ठीक है। अब ये हमने मैसेज प्रिंट कर लिए, ये क्लास बंद, सॉरी मेन बंद हो गया और ये हमारा क्लास बंद हो गया। सेव करते हैं, अच्छी बात है कि ऑलरेडी हम बिन के अंदर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बिन के अंदर नहीं होंगे तो पहले आप पाथ बिन तक लेके जाएंगे। अब हमने प्रोग्राम क्लास का नाम क्या दिया है, ऑड इफ, तो हमारे प्रोग्राम का भी नाम होगा ऑड इफ डॉट क्या, जावा। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऑल फाइल्स, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे इसको क्या हम सेव, ठीक है। अब कम रन करने के लिए ऑब्वियस बात है हम सी एम डी को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी स्क्रीन आया आपको यस कर देना है, ठीक है, ये खुल गया मेरा क्या, कमांड प्रॉम्प्ट। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको क्या करना है, पाथ अगर आपने सेट कर रखा है तो कहीं से रन कर लीजिए, नहीं कर रहा है तो फिर सीडी, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में, तो हम गए प्रोग्राम फाइल्स, फिर सीडी जावा, फिर सीडी जेडीके डैश 14.0. क्या 1, शायद मुझे याद हो गया, चलिए मुझे जेडीके का वर्जन याद हो गया, अब वरना मुझे बार बार डीआईआर करके देखना पड़ता था। अब मैं कहता हूँ सीडी बिन, क्योंकि मुझे पता है बिन के अंदर ही हमारी फाइल है। कंपाइल करने के लिए जावा सी ऑड इफ डॉट क्या, जावा, एंटर करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, चलिए आ गया। अगर नहीं सही रहता तो एरर्स आपको शो करता, तो यहाँ से फिर आप अपने नोटपैड में जाके उस एरर को खत्म करते, और खत्म करने के बाद फिर यहाँ आके क्या करते आप, फिर से कंपाइल करके देखते कि कोई एरर है या नहीं है। अब इसको रन करना है तो जावा ऑड इफ करके एंटर कीजिए, ठीक है, एंटर नंबर मान लीजिए मैं 4 देता हूँ, देखिए क्या दे दिया उसने, इवेंट प्रिंट कर दिया। अगर मैं फिर से रन करता हूँ और मैं इस मान लीजिए 3 देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए क्या दे दिया, ऑड आंसर दे दिया, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इनपुट है वो हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए चेक करना चाहते हैं नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और क्या जीरो, तो अगर हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ए जो है वो बड़ा है जीरो से, इसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और कंडीशन पड़ जाएगी तो एल्स इफ लग जाएगा कि ए इज क्या लेस देन क्या जीरो, तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, नेगेटिव, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, नेगेटिव एन ई जी ए टी आई वी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये भी नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल्स में चले जाएंगे और यहाँ प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एल एन जीरो, राइट, डबल कोट्स देंगे और तब देंगे क्या जीरो, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हमने क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, सेव कर लिया।
अब जो भी मॉडिफिकेशन किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने बताया, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम फिर से लिखते हैं जावा सी और इफ डॉट क्या जावा, एंटर करते हैं और ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल जावा, और यहाँ क्या करते हैं और ईव, और एंटर करते हैं, एंटर नंबर मान ली मैं 3 एंटर करता हूँ, देखिए उसने क्या आंसर दे दिया, पॉजिटिव। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बाकी नहीं हुए, फिर से रन करना होगा। तो फिर से रन करने के लिए फिर से मुझे लिखना पड़ेगा जावा और ईव, ठीक है। मान लीजिए मैं इस बार देता हूँ -3, क्या दे दिया इसने, सिर्फ नेगेटिव, और मैं फिर से एक बार रन करता हूँ और इस बार देता हूँ 0, देखिए 0, मतलब हमारा तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये था प्रोग्राम इफ के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।